हेलो दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे तेज बने। इसके लिए 2 से 3 साल की उम्र में वे बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इसके बाद पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे। ऐसी स्थिति में कई बार पेरेंट्स बच्चे पर दबाव भी डालते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। अगर आप जानना चाहते हैं बच्चे को किस उम्र में कितना पढ़ाएं और लिखना कैसे सिखाएं, तो मैं आपको बताती हूं। अगर आपने अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, तो ये सही वक्त है कि अब आप कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे से कराना स्टार्ट करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करें, और साथ ही साथ बच्चे को इंकरेज करें स्क्रिबलिंग के लिए। इसके लिए आप कुछ चार्ट्स फ्लोर पे या फिर वॉल पे पेस्ट करके बच्चे को दे सकते हैं, जिसके ऊपर बच्चा क्रियोन से जितना मर्जी स्क्रिबलिंग कर सके। और जब बच्चा 2 साल का हो जाए, तो उसे डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ट्रेसिंग वर्कशीट दीजिए ट्रेस करने के लिए। कोशिश कीजिए कि 3 साल का होने से पहले बच्चा नंबर्स, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स, हिंदी के स्वर एंड व्यंजन आसानी से पहचानना सीख जाए। और अगर आपने बच्चे को इतना करा लिया है, तो आप 3 साल की उम्र में अब उसे हर चीज लिखना कॉपी में सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हिंदी लिखना सिखाने के लिए आपको इस तरीके की 5 लाइंस कॉपी का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरा अक्षर लिखना सिखाने से पहले आपको कुछ लाइंस और कर बच्चे को सिखाने होंगे। जैसे एक दिन में बस आपको उसे इस तरीके से लेफ्ट कर बनाना सिखाना होगा, और उससे नेक्स्ट डे आपको पूरे पेज पे सिर्फ राइट कर्व सिखाना होगा, उससे अगले दिन स्टैंडिंग लाइन, और उससे अगले दिन पूरे पेज पर सिर्फ स्लिपिंग लाइन सिखानी होगी। इसके बाद 4 दिन बाद आपको बच्चे को सिखाना है ऐसे अनार बनाना, और उसको अच्छे से ज्ञान देना है कि कौन सी लाइंस में किस तरीके से ऐसे अनार आपको अच्छे से बनाना है, और उससे अगले दिन आ से आम। इस तरीके से एक दिन में सिर्फ एक अक्षर सिखाना है। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे स्वर और व्यंजन अच्छे से लिखकर दिखाए हैं कि किस तरीके से किन लाइन में सारे बनते हैं, तो इसी तरीके से आप बच्चे को कराइए। यहाँ पर मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी पूरे अच्छे से लाइंस में बनाकर आपको दिखाए हैं। ये मेरे बेटे की स्कूल की कॉपी है, जिसमें बच्चे को पहले सिर्फ लाइंस बनाना सिखाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसे सारी लाइंस का ज्ञान दिया है, उसके बाद एक दिन में एक लेटर बनाना सिखाया है। इस तरीके से बच्चे को अच्छे से ज्ञान हो जाता है कि कौन सी लाइंस में किस तरीके से लेटर को बनाना है। इसी तरीके से उसे मैथ में कराया गया है। इनके स्कूल में हिंदी 5 लाइंस में नहीं कराई गई, जिस वजह से उसकी राइटिंग हिंदी में इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये 5 लाइंस में उसे घर में प्रैक्टिस कराई है। और अब मैंने उसके लिए पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि किस तरीके से मैं उसे रोज एक अक्षर कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।